नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे क्या हुआ भाभी? वो किलर ने इनको आपके भाई साहब को किडनैप कर लिया। क्या? हाँ, किसी भी तरह इन्हें बचा लो, वो तुम्हारे जाने के बाद ही इन्हें छोड़ेगा, प्लीज। हाँ ठीक है भाभी, लगता है दोस्तों के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ इन्हें बचाओ, जाओ ना। सर। मिस्टर डोडिया। यस सर। क्या तुम इसी तरह से ड्यूटी करते हो? वो गोली दादा से जो तीन लोग मिलने आए थे अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? वो जरूर अंडरवर्ल्ड के आदमी होंगे। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम? किलर? ये नया किलर कहां से पैदा हुआ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, इसी तरह ड्यूटी होती है? सॉरी सर। मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए, पूरी। जी सर। जा सकते हो। ये क्या कर रहा है? हाथ बांध रखे हैं उस्ताद जी। खुजली हो रही है, खुजा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ गर्मी बहुत है, खुजला ले, ये बहुत जरूरी है। रगड़ रगड़ के पूरा छील डाल। ये मेरा अंतिम पैग है, इसके खत्म होने तक तेरा वो ना वो कौन टटपुंजिया दोस्त राम नहीं आया, तो मैं तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा, तू याद रखना। चल अब तू आराम से खुजला ले, तेरे पास टाइम ही टाइम है, खुजलाता रहे, खुजला। धोखा, छोटा टाइगर के साथ धोखा, खुजला रहा था और धोखा दे के भाग गया। भैया ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम करें भी तो क्या करें, पुलिस को भी इस किलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो गोली दादा है। और गोली दादा कोमा में है। Exactly. तो फिर क्या करें हम? आज की ताजा खबर एवे की वीरे, गोली दादा पुलिस वालों ने चकमा देके हॉस्पिटल तो फरार हो गया। क्या बात है, क्या खबर लाया हैप्पी? हैप्पी कर दिया तूने आज। और की तो फिर हमें जल्द से जल्द गोली दादा के पास चलना चाहिए। वो गोली दादा से हे, आने दो अपना ही ग्राहक है, आने दो। आजा आजा, आज किसकी सुपारी देने आया हीरो? दादा ये सुपारी देने नहीं, वापस लेने आए हैं। ए, ये कौन है? ये मेरी वाइफ रतन। तो फिर इसको समझा दे कि गोली दादा जब एक बार सुपारी ले लेता है तो वापस नहीं करता। मुझे पता है गोली दादा,
मगर अब मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मरना तो कोई भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं मरना चाहता, ये भी नहीं मरना चाहता, ये भी नहीं मरना चाहता। पर तेरे को मरना पड़ेगा। अब जा, टाइम मत वेस्ट कर, तेरी सुपारी वापस नहीं हो सकती। बोल दिया ना तेरे को? दादा आप चाहे तो पैसे रख लीजिए, मैं और भी दे दूंगी, पर राम की जान बख्श दीजिए। उस किलर को आपके सिवा और कोई नहीं रोक सकता। मैं कैसे रोक सकता हूँ? वो जब से गया है उसका फोन भी स्विच ऑफ है, हैं? कहाँ कहाँ ढूंढूंगा उसको, और वैसे भी ये मेरे उसूल के खिलाफ है। आपके उसूल का किसी की जान से बढ़कर है? अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या इसी तरह आप मेरी खुशियों को छीनते? नहीं ना। मैं समझता हूँ तेरा दर्द, लेकिन मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता। ठीक है फिर, आप एक और सुपारी लीजिए, उस किलर की जिसको आपने राम को मारने के लिए भेजा है। बताइए कितने पैसे लेंगे आप? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 50 लाख? बताइए। एक करोड़? एक रुपया, सिर्फ एक रुपया। एक रुपया? आज तुझे देखने के बाद मुझे मेरी बेटी याद आ गई। बंबई के धमाकों ने उस मासूम जान को भी नहीं बख्शा। आज जिंदा होती तो एकदम तेरी तरह दिखती, और मैं इस धंधे में कभी नहीं आता। देख बेटा, मैंने आज तक पैसों के लिए दूसरों की खुशियां छीनने के लिए सुपारियां ली हैं, लेकिन आज अपनी बेटी की खुशियां हासिल करने के लिए सुपारी लूंगा। चारों तक तेरे राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये तेरे बाप। गोली दादा का वादा है। थैंक यू दादा, थैंक यू। अरे सुन। हाँ? सुपारी का 1 रुपया तो देती जा। उसूल तो उसूल होता है ना भाई। कृष्णा, कॉलेज के दिनों में लास्ट बेंच पर बैठने वाले कृष्ण कुमार, जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है। So good to see you. और बता महेंद्र, कैसे आना हुआ? बस यूं समझो कि हमारी जिंदगी में शनि ने एंट्री ले ली है। शनि? कहीं वो शनि गोली दादा तो नहीं? मैं कैसे पता चला? अरे यार, कमिश्नर हूं यहां का, मुझे पता नहीं होगा तो किसे होगा? राइट। पर तू अपनी कहानी खुल के बता। बिल्कुल। ऐसा है कि वो मैं बताती हूं सर। तुम? रतन, राम की बीवी रतन। अच्छा अच्छा, बैठो बेटी, तू भी बैठ। हाँ, बैठो। बताओ सर, ये पूरा प्रॉब्लम राम की वजह से हुआ है। क्या हुआ, तुम घर पे जॉगिंग क्यों कर रहे हो? भाई बाहर जाओ, खुली हवा में जॉगिंग करने, देखो मौसम कितना बढ़िया है। क्या हुआ? ओ, किलर का डर। कर करो, घर पे ही जॉगिंग करो। आप क्या चाहते हो, मैं बाहर जाऊं और वो गोली चला दे? जी बिल्कुल। ऐसे डर डर के और घुट घुट के जीने से तो बेहतर ही रहेगा ना, क्यों भैया? Absolutely correct. हाथ में पूजा की थाली है, समझ में नहीं आता बीवी है दुश्मन,
बीवी हूं इसीलिए कह रही हूं। उस पे भरोसा रखिए, मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। भैया क्यों ना इस बार जन्माष्टमी हम कहीं बाहर मनाएं? हाँ हाँ, ये तो बहुत ही नेक ख्याल है। भाभी कोई नेक ख्याल नहीं है, वो पागल किलर पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा है और आप लोग जो है बाहर जाने की बातें कर रहे हैं। माय डियर पति परमेश्वर, आपकी तरफ आने वाली हर मुसीबत सबसे पहले मुझसे टकराएगी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान बचाई थी, ठीक उसी तरह मैं आपकी जान बचाऊंगी। ये खेल मैंने शुरू किया है, इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। अच्छा हुआ तूने इस धरती पर आखिरी बार भगवान को याद कर लिया। अब ऊपर जाकर भगवान से मिल भी ले, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे बाप मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मरना है। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि तुझे मरना है। नहीं रुक जाओ, भले है बुरे है मेरे पति है, आप चाहे तो मुझे गोली मार दीजिए पर इन्हें बख्श दीजिए। नहीं पहले मुझे गोली मारो। रुक जाओ, ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, इनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। रुक जाओ दुष्ट प्राणी इंसान। दुष्ट प्राणी इंसान, ए सामने सट जा तू कन्या, मेरी मोहनी मत खराब कर वरना एक मर्डर के साथ दूसरा मर्डर फ्री। रुको है? इसे मारने से पहले ना मुझे मार। अरे सुखी तूने किया था बहुत दुखी, तू कैसा रफू चक्कर हुआ था, आज तो हैट्रिक बनने वाली है। नागिन उस्ताद जी, मैं तो शुरू करी, सब तो पहले मैं। साले खुजली वाले सांप, आज तो तेरे हाथ खुले हुए हैं, फिर क्यों खुजला रहा है कमर घुमा के? उस दिन तो इसके चक्कर में नागिन बना गया था मुझे। हे कन्हैया जी ऐसे कृपा दृष्टि बनाए रखना, आज तो इतिहास रचने वाला है। अरे गोली दादा, आज तू इतिहास रचेगा नहीं, खुद एक इतिहास बनेगा। तिन फुटिए, तिन फुटिया तू, तेरा चाचा, तेरा मामा, तेरा ताया, तेरा नाना, तेरी ताई, तेरी मामी, तेरी मौसी, तेरी बुआ, तेरी फूफी, साले जड़ा सिंह रावण के खानदान, खरदूषण के कजिन, लंबाई से चौड़ाई ज्यादा, साले जिस दिन तू फटेगा ना तो पूरे शहर में सुनामी आ जाएगी। ऐसा है तू हथगोला और नाम रखा है गोली दादा। कितनी बार बोला है कि मेरा नाम त्रिफुटिया नहीं, मेरा नाम है छोटा टाइगर। हो गया खत्म, निकाल ली भड़ास, आपका आशीर्वाद। अब मरने को तैयार हो जा, मैंने तेरी सुपारी ली है तीन फुटिए। गोली दादा, अंडरवर्ल्ड आपको कभी माफ नहीं करेगा, पहले मुझे सुपारी दी फिर खुद मेरी सुपारी ली। ली ली ली, ची ची ची। अगर गोली दादा ने सुपारी ली तो गोली चली। पापा चला दो तीन फुटिए। कतल हो गया। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं गोली, जो अच्छो अच्छो के गर्दन तक आ ही जाते हैं। चुपचाप अपने हाथ उठा, नहीं तो दुनिया से उठा दूंगा। उठा, अरेस्ट हिम। सर पकड़ो उसे। रुको रुको रुको, भाग क्यों रहे हो मेरे पीछे? तुम्हें अरेस्ट करने। अरेस्ट करने? हाँ तो ठीक है, ये साफ सुथरी जगह देख के अरेस्ट कर लो मेरे को। कौन अरेस्ट करेगा? मैं करूंगा। किससे? ये हथकड़ी से। अबे पागल हो गया क्या? गोली दादा जब अरेस्ट होता है ना तो खुद की हथकड़ी पहनता है। रख ले इसको अपने पास, लावे मेरी हथकड़ी दे। हाँ तू निकल ले, मैं जब तक इनको संभाल के आता। निकल निकल। क्या बोल रहा था तू? मुझे मार के हैट्रिक बनाएगा, आज तेरी चिड़िया निकालूंगा। अबे साले थोबड़ा क्यों खराब कर रहा है? अबे पहले से कौन सा तेरा थोबड़ा सही है? अबे कहां साले पेट पे लात मार रहा है, खुद तो मरा नहीं। अब
हमें पेट बिलात मार रहा है। अबे तेरी, अबे छाती मत मार बे, छाती के पीछे दिल रहता है, कहीं दिल बैठ गया तो हार्ट अटैक हो गया तो। ठीक है मार तेरी तो। इसको बाप तुले, साले सर पे टपली दे रहा है, सर के पीछे साले मगज रहता है। ये फैंसी अखरोट कहीं फट गया ना तो साले तुम सब यही फट के यही भस्म हो जाओगे। तो कहां पर दूं तुझे? मैं दूं? क्या आइडिया दे, मुझे छोड़ दे, जाने दे, धन्यवाद। ऐसे कैसे जाने देंगे, अभी तो मेरा हिसाब बाकी है। रतन पहले तुम मुझे हिसाब करने दो, मेरे पति की खुजली निकालने वाले थे ना, अब मैं इनकी खुजली निकालती हूँ। तीन फुटिये, तुम लोग ऑफिस जाओ और वो 500,000 के जो नोट पड़े हुए ना उनको बैंक में बदली करवा लो। हाँ ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक दादा। लो भाई अरेस्ट करो, अच्छी तरह से करना जरा। चलो कमिश्नर साहब, मेरे को अरेस्ट कर लिया, कल से तो आप छा जाएंगे। अखबार में फोटो छपेगी, टीवी पे न्यूज आएगी, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में एपिसोड बनाए जाएंगे। कमिश्नर से आईजी डीआईजी बन जाएंगे। मिठाई कब खिला रहे हो? खिलाऊंगा गोली, जरूर खिलाऊंगा, फिलहाल तो तू जेल की हवा खा ले। अरेस्ट हिम सर, चल। बेटी मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, आज के बाद तेरी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तेरे एक रुपए ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब जब मैं जेल से आऊंगा ना तो सिर्फ अच्छे कामों में अपनी जिंदगी बिताऊंगा। रतन जी? राम का ख्याल रखना। नहीं, ख्याल तो मैं रखूंगा अब। जीते रहो। चलो चल भाई ससुराल चलते हैं, तीन फुटिए। क्या आपने गोली दादा होंठ हिला के फुटिए बोला ना? आपको क्या लगता है मैंने क्या बोला है? आपने जो भी बोला हो, मेरा नाम तीन फुटिया नहीं, मेरा नाम है छोटा टाइगर। चलो। आपने उनको तो पकड़ा ही नहीं, लोग असली गुनाह। रतन हाँ, आखिर तुमने मेरी जान बचाई ली, और अच्छा है तो क्या नहीं कर सकती है ना। रतन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हर लड़की तेरी तरह पत्नी होती तो पति कभी गलती नहीं करता। अब मुझे ही देख लो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह कदम उठा ली होती तो। मैंने क्या किया? चुप रहिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। किस किस लड़की को कहां कहां कितनी कितनी रंगीन रंगीन साड़ियां खरीद कर दे चुके हैं सब जानती हूँ मैं। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं घर पर। ओके भैया आप भी? मैंने ही मां, कुछ नहीं, मजाक कर रही है। दस मिनट है तुम्हारे पास, चाहो तो अपना लक ट्राई कर सकती हो। कोशिश तो बहुत की मैंने मगर हार गई। यू नो व्हाट, बहुत घमंड था मुझे अपने ऊपर, दैट आई एम द बेस्ट। तभी तो किसी की खुशियों के आशियाने में अपनी मतलब की दीवार खड़ी करने चली थी, और ऐसी दीवार जो किसी के प्यार और कॉन्फिडेंस के सामने टिक नहीं पाए। और आपसे मुझे एक सीख जरूर मिली है कि जिंदगी में प्यार के क्या मायने होते हैं, वो आपसे सीखा है मैंने। थैंक यू सो मच एंड सॉरी। अपनी बहन समझकर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।
फर्जी डॉक्टर। साधुराम तोली अपना काम हो लिया। चल भाई आजा। बका चले। हाँ जी सर। हाँ मैं बस पहुंचा। हाँ जी बेबी एक अर्जेंट कॉल आ गया है, मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। ना बका